पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जलवायु पर अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन केरी ने टेलीफोन पर बातचीत की। भूपेंद्र यादव और जॉन केरी ने COP26 के दौरान घोषित भारत के महत्वाकांक्षी जलवायु कार्यवाही लक्ष्यों सहित विस्तृत मुद्दों पर बातचीत की। अगले 5 वर्षों में मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में 50 चीतों को लाया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक के दौरान भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा तैयार भारत में चीता के परिचय के लिए एक कार्य योजना शुरू करते हुए घोषणा की है। केंद्र के राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम में शामिल दिल्ली समेत अन्य खराब हवा वाले शहरों की वायु गुणवत्ता में 3 साल बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ है। यह दावा सोमवार को जारी एक विश्लेषण रिपोर्ट में किया गया। इसके मुताबिक 3 साल के दौरान औसत रूप से गाजियाबाद देश का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा तो दिल्ली दूसरे नंबर पर है। देश के पूर्वी राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में वर्ष 2020 में कोविड लॉकडाउन के दौरान PM2.5 के स्तर में शुरुआती गिरावट के बाद 2021 में पुनः प्रदूषण कारण तत्वों की मात्रा में वृद्धि देखी गई। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने ये जानकारी दी है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की ऊर्जा और जलवायु शाखा के प्रमुख का कहना है कि मानव गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन इंसानों और पर्यावरण के स्वास्थ्य को खतरे में डालते हैं। अगर इस पर मजबूत और ठोस जलवायु कार्रवाई नहीं की गई तो प्रभाव और भी ज्यादा व्यापक और गंभीर होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर रोज एक पौधा जरूर लगाते हैं। इसी दौरान में अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज उन्होंने स्मार्ट पार्क में बोझा और सप्तमणि का पौधा लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा, पर्यावरण संरक्षण के लिए हम सभी को अधिक से अधिक पौधारोपण करना होगा। भारत में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमितों के नए मामलों में 6.5% की कमी देखी गई। पिछले 24 घंटे में 168,073 नए कोविड केस दर्ज किए गए। वहीं देश में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,58,75,790 पहुंच गई है। वहीं अगर एक्टिव मरीजों की बात करें तो उनकी संख्या बढ़कर 8,00,000 हो गई है। अभी 8,21,446 सक्रिय मरीज हैं जिनका कोरोना का इलाज चल रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड के साथ बरसात हो रही है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि 11 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक देश के 4 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। ये राज्य है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को येलो अलर्ट जारी करते हुए महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में अगले 2 दिनों के लिए गरज चमक के साथ मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। IMD के मुताबिक नागपुर सहित पूर्वी विदर्भ के कई जिलों में आज बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। झारखंड के लोहरदगा जिले में मंगलवार को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। मौसम का मिजाज बदलने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई। आज यहां दोपहर बाद गरज के साथ बारिश देखने को मिली। ऐसे में लोगों को ठंड का एहसास और ज्यादा होने लगा। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।